दोस्तों वैसे जब भी डिबेट शो में जाते हैं तो एंकर के मुंह पर उसकी बेइज्जती करके आते हैं और अच्छे अच्छे एंकरों का मुंह बंद कर देते हैं। एक बार फिर उन्होंने एंकर के मुंह पर माइक फेंक दिया। आजकल आप भी देख रहे हैं ये गोदी मीडिया पत्रकारिता के नाम पर मोदी भक्ति करती है। जिस तरह से पत्रकारिता की जा रही है इसके कई वीडियो आपने भी देखे होंगे जिसमें राष्ट्र भक्ति कम मोदी भक्ति ज्यादा होती है, जिसके वजह से आज पत्रकारों के लिए कई नाम भी रख दिए गए हैं। कहीं गोदी मीडिया तो कहीं मोदी मीडिया कहा जाने लगा है। दोस्तों टीवी 9 भारतवर्ष पर डिबेट शो चल रहा था, उस पर ओबीसी साहब भी आए हुए थे, लेकिन बीच में अभिषेक की एंट्री हो गई। समीर अब्बास जो एंकर हैं, ज्ञान व्यापी पर डिबेट शो हो रहा था, इस पर उन्होंने अभिषेक बुलाया जा रहा था। कहा गया कि बनारस से अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ये बात ओबीसी साहब ने सुनी वो भड़क उठे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं बात करनी है ऐसे लोगों से, आपने मुझे धोखा दिया है, मुझे अभिषेक जैसे संगी लोगों से बात नहीं करनी है, और वो माइक निकाल कर वहां से चले गए, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। एंकर चिल्लाते रहे और ओबीसी साहब चले गए। कहा जाए तो अभिषेक उपाध्याय की घोर बेइज्जती की है। ओबीसी साहब ने ये साहब अपनी ही बात करते हैं, इनको केवल संगियों से ही मतलब है, इनको मुस्लिम समुदाय के पक्ष के बारे में सुनना ही नहीं होता है, ये एंकरिंग कम करते हैं और सरकार के कामों को दबाकर विपक्ष से सवाल करते हैं। इसीलिए आज ओबीसी साहब ने इस संगी सोच वाले एंकर की उनके मुंह पर बेइज्जती कर डाली। पहले ओबीसी साहब ने साफ कह दिया कि आपने धोखा दिया है मुझे, आप ऐसे लोगों को जोड़ रहे हो जो बात करने के काबिल भी नहीं है, मुझे नहीं करनी है बात किसी से जो सिर्फ सरकार के लिए संगियों के लिए बात करते हैं और केवल एक पक्ष के लिए ही बात करते रहते हैं। दोस्तों ओबीसी साहब वहां से क्यों चले गए इसकी वजह आप भी समझ सकते हैं। ये एंकर जब भी डिबेट शो करवाते हैं तो केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ही बातें होती हैं। आजकल सभी चैनलों पर यही चल रहा है यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अब मुस्लिम समुदाय का क्या एक्शन होगा, ज्ञान व्यापी को तोड़ देना चाहिए, ये सभी बातें अब चैनल पर चल रही है। दोस्तों ऐसे ही कोई शो छोड़ के नहीं जाता है, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है और यहाँ पर बड़ी वजह है अभिषेक उपाध्याय, क्योंकि अभिषेक की रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता ये दर्शाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के पक्ष में ही काम करते हैं। आप कहीं भी उनकी न्यूज सुन लीजिए, आपको खुद ही सबूत मिल जाएगा जिसमें वो केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ही बोलते नजर आते हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहिए MIM न्यूज एक्सप्रेस के साथ।